अब पता नहीं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, मेट्रो जेल तो शायद मिल भी जाए। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मैसेज कर देंगे क्या? ऑलराइट, ओके ओके डॉक्टर। क्या बोल रहे हैं? तो ये तो देनी देनी है, मेट्रो जेल मंगानी है और एक और दवाई वो बोल रहे हैं। वो कहे सिरिंज का है बेबी, सिरिंज खुल गई है? नीचे उतारोगे इसको? नहीं मैं पिला दूंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। डॉग्स नेचुरल तैराक होते हैं। कौन गिरा है? कोको तो नहीं गिर गया? कहाँ है कोको? भाई कोको का इधर ध्यान रखना पड़ेगा, कोको गिर सकता है। कोको है किधर? ये रहा ना, विला बहुत बड़ा है भाई। ये बाथरूम है? हमारा बाथरूम है। चलो आओ अंदर आओ, लिविंग रूम में चलो सब चलो। तो जी खाना वाना हमने खा लिया है, अब जा रहे हैं हम लोग रूम में। दीदी का खाना रूम में भिजवा दिया था और चारों बच्चों को खाना वहीं पे खिलाते था। अब जाके देखेंगे कि दीदी का भी खाना वो लोग तो नहीं खा गए हैं, तो अभी जाके देखते हैं। चलो अभी मेरे को मेहंदी लगवानी है, मेहंदी एक एक करके सबको लग रही है, तो मेहंदी वाले ज्यादा नहीं है, तो मेहंदी अभी देखूंगी सबसे लास्ट में मैं लगवाना चाह रही हूँ ताकि मेरे को थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो अभी मैं अपने फ्रेंड को मिलूंगी और उसके बाद पता करूंगी कि मेहंदी का क्या टाइम है। बाय द वे अभी तक 4 बज चुके हैं, 4 बजे खाना खाया हमने, अभी मेहंदी वेहंदी का टाइम होगा तो फिर चाय कॉफी का टाइम हो जाएगा। एक तो ये चाय कॉफी ने बहुत मार रखा है ना हमें, चाय पी लेते हैं चलो, अरे अब तो कॉफी का टाइम हो गया, अरे ये तो इवनिंग है टाइम, कॉफी तो चाहिए ही चाहिए, फिर आ जाता चाय भैया जी का। तो ये सब करते करते इसी के बीच में मुझे मेहंदी का भी निकालना है। एक हाथ में लगाऊं कि दोनों हाथ में लगा लूं? बेबी एक हाथ में लगाऊं? दोनों में लगाओ, पैर में भी लगाओ। पैर में नहीं लगाऊंगी, तो हमारे दोस्त आ चुके हैं, मुंह में भी लगाओ ताकि मुंह बंद रहे थोड़ी देर। सो दैट्स श्वेता। हाय श्वेता। हाय संभावना। पहले ही हो चुका है हमारा हेलो, हम साथ में खाना खा के आ रहे हैं लेकिन ब्लॉग में अभी अभी आई है श्वेता, और अब आप देखते रहेंगे हमें ब्लॉग में। फाइनली संभावना के ब्लॉग में आई एम गोना बी अ पार्ट। जो मेरी फ्रेंड का रूम है वो ये है, कितना सुंदर सजाया हुआ, ये देखो अभी सारा कुछ। मेहंदी, ड्रिंक हैप्पी थॉट, शेक अ लेग, लव इट फर्स्ट बाइट। आइए आइए, कम ऑन। मैं मेरी फ्रेंड के रूम में आई हूँ, यहाँ पे डांस रिहर्सल चल रही है जो कि आपको नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन मैं देख सकती हूँ, मतलब मुझे देख सकते हो आप कि मैं डांस नहीं कर रही हूँ, तो मैं लेट के सबको देखूंगी कि रिहर्सल में क्या हो रहा है। आर यू गोना परफॉर्म? आई थिंक आई माइट, बट आई डांस लाइक सनी देओल, सो आई डोंट थिंक आई वांट ऑल टू सी मी डांस, बट दैट्स ओके यार। तो उसमें क्या है, डांस तो डांस होता है, अभी कौन सा तुम्हें प्रोफेशनल वो देना है, कोई वो थोड़ी है, यहाँ पे कोई शूटिंग थोड़ी चल रही है। पक्का? हाँ हाँ। अरे डर नहीं जाएंगे ब्लॉगर्स? कुछ नहीं ठीक है, तो कुछ नहीं, थोड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डांस कर लेंगे। हाँ हल्का सा, देखो मैं करना तो करूंगी तो नहीं, मैं भी नहीं करूंगी, मैंने तो कुछ भी नहीं तैयारी की है, लेकिन देखो हल्का सा स्टेज पे तो चढ़ना बनता है, दोस्त की शादी है तो। चलो कंटिन्यू दोस्तों, मैं आपको जरा इसकी मेहंदी दिखा देती हूँ। ओ कितनी सुंदर लगी है यार, अरे अरे ये तो पहले से ही सिंदूर भर दिया, ब्यूटीफुल, कलर भी कितना अच्छा चढ़ा है, और पीछे वाओ, ये इयररिंग बहुत कुछ कहती है भाई, देखना चोरी से बचना, चोर यहाँ पे दिख रहा है मुझे। ओह आई लव इट, वेरी नाइस। हम लोग आगे अपने विला में, इनकी शादी देख के ना मेरे को ऐसा लग रहा है हम भी एक पर और शादी कर ले, मेरी मेरी तमन्नाएं पूरी नहीं हुई है शादी की। हाँ। ठीक है कर लेंगे चलो। कुत्तों मेरे कुत्तों, दीदी खोला खाना गया था दीदी, छोटे छोटे बेबी दीदी खाना खाया? खा रही है दीदी, खा रही। अच्छा आ जाओ सब लोग, तो मैं आपको दिखा दूँ, इतना प्यारा हैम्पर यार, इतना प्यारा हैम्पर एक यहाँ पे है, और उस रूम में भी, दीदी वाले रूम में भी एक और हैम्पर है, यहाँ पे भी एक और हैम्पर है, और इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये जो हमारा अरेंजमेंट है ये तो छपछे बढ़िया वाला, छारे के छारे बच्चे यहाँ पे छोरे हैं, ये मोटा वाला छोरा है, वो छोटा वाला खेल रहा है, वो मेरी कैंडू मेरा वेट कर रही है, अब मम्मा छप के पास आएगी। चल मेरा क्लिप छोड़। ये तो यार बेबी तो बहुत ही इंजॉय कर रही है, ज्यादा ये सबसे ज्यादा एंजॉय कर रही है, मुझे लग रहा था डर जाएगी, तो देखो कुत्ता था। हाँ ये तो उदबिराव की तरह डरती थी, ये क्या हुआ इसको? आजा मेरा कैंडू, मम्मा के पास आजा जल्दी से आजा, मम्मा के पास छुई छुई करेगी थोड़ी देर, है ना, फिर मम्मा को तैयार होना है मेहंदी के लिए। अच्छा ये देखो बेबी मेरा फिर क्लिप उठा लाई है, चुन्ने दीदी उस कमरे में इसका कोई टॉय होगा, खिलौना दे देना। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 6:15, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सो गया, और फिर मुझे कोई बुलाने आया कि दीदी आपको बुला रही है, संभावना वहीं पर है, मैं आऊँ और सब बच्चों को दीदी जो है गार्डन में घुमा रही है। ये रही कैंडी, ये दीदी, ये रहा कोको, मेरी खेल रही है, मैं भी संभावना के पास जा रहा हूँ। दीदी नाश्ता आ गया आपका?
क्या पीना है? मैं तो देखो चाय पी रही हूँ। मैं कॉफी पीऊंगा। पक्का हो गया है? हाँ जी। बाद में कोई चेंजेस तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, आप कर दोगी लग रहा है। लेकिन बेबी, लेकिन मैंने देखा तुम मेरी बातों में कभी हंसते नहीं हो। व्हाई लाइक दैट? तो एक कुत्ता भागा बात और उसको कुत्ते इधर आ। बेटा चुन्नी चुन्ना टॉयलेट टॉयलेट छुट्टी छुट्टी ये नहीं चलेगा। तो चार बार उतर पर उभद्र मचाया है। बेटा ये खिलौना है, खेलना है तो खेल। आते ही पता लगा है आप। वैसे मैंने बाल बाल बना लिए हैं। उसके बाद मेन बात बताती हूँ, कैंडी की हो गई है तबीयत खराब, जो आपकी आपको दिखेगा नहीं। कैंडी खेलती हुई दिखेगी, लेकिन कैंडी इज ऑल्सो पासिंग ब्लड। स्टूल्स में बहुत ज्यादा ब्लड पास कर रही है एंड ये बहुत चिंता का विषय है। दवाई मैंने मंगा ली है, लेकिन कैंडी वैसे नॉर्मल है। देखो कैंडी मामा, और हम लोग को पीने जा रहे हैं कॉफी। हाँ, 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 मेरे को मेहंदी लगानी है। देखो मैंने बाल तो ये बनाया है, अब इसके साथ ना कुछ भी मैं पहन लूंगी। मतलब मेरे को ना, मेरे को इतना वो नहीं है कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो ब्राइड है उसको देखने का चाव है मुझे कि वो कैसी लग रही है, वो कितनी सुंदर लग रही है। तो मेरे को तैयार होने का मन नहीं कर रहा। मेरा सा मन कर रहा है मैं उसको तैयार होते हुए देखूं। जैसे होता है ना, दूसरे के लिए दूसरे के अरमान पूरे होते हुए देखते हो तो आपको लगता है कि, क्योंकि मेरे तो हुए नहीं ना अरमान पूरे, मेरे नहीं हुए। मैं दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ, मेरे कोई अरमान पूरे नहीं हुए। घंटा एक आदमी ने कुछ नहीं किया मेरे लिए। कैंडी के डॉक्टर से बात करी है और अभी डॉक्टर इज गोइंग टू कॉल मी बैक। मतलब रिसेप्शन पे बात हुई है, अभी वो फोन करेंगे। और मैं वैसे मैंने दवाई तो मंगा लिया है, सॉल्यूशन ये जो मेरे को मैं अभी चुनचुन को दे रही थी वही मैंने मंगवा लिया है। बट इनकेस अगर कुछ और लगना है, इनकेस ये दवाई नहीं चलेगी तो क्या होना है मेरे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि रात को कोई इमरजेंसी हो। और अभी इसने यहाँ पे वॉमिटिंग भी की है। अभी वॉमिटिंग भी करी है, अभी क्या हो गया सडनली इसको पता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम जहाँ पे हैं अलीबाग में, यहाँ आई डोंट थिंक कोई भी हॉस्पिटल होगा डॉग्स के लिए इमरजेंसी वाला, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। अभी मैं जितना सर्च कर रहा हूँ, जितना मैं पढ़ रहा हूँ वेबसाइट पे इंटरनेट पे, वो काफी ज्यादा अजीब केस लग रहा है मुझे। तो अभी डॉक्टर से बात हुई नहीं। एक बार डॉक्टर अगर ये बोल देंगे कि भाई डरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है, तब तो ठीक है। वरना क्योंकि टूल में ब्लड पास करना और साथ में वॉमिटिंग होना, ये दोनों सिम्टम एक साथ बहुत डेडली है। चांजू मामा, मैं भी देरी हो गया दवाई। हाँ, मैं मिक्स करके एक बार डॉक्टर से बात हो जाने दो। हाँ, मैं मिक्स करके रख रही हूँ दवाई। चुनचुन चुनची, ये बहुत मजे ले रही है। अब पता नहीं यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, मेट्रोजेल तो शायद मिल भी जाए। डॉक्टर प्लीज आप मुझे मैसेज कर देंगे क्या? ऑलराइट, ओके ओके डॉक्टर। क्या बोल रहे हैं? तो ये तो देनी है, मेट्रोजेल मंगानी है और एक और दवाई वो बोल रहे हैं। वो कहा सिरिंज का है बेबी? सिरिंज खुल गई है, देख लिया? हाँ, इसको मैंने ये कहीं से लाया हूँ, मैं किसी तरह मैंने मैनेज किया है। इसमें होल नहीं था, होल किया है, बट इसमें से पानी आर पार जा रहा है। बस तुम्हें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसको पिलाते हो थोड़ा इधर उधर भी जाएगा। नीचे उतारोगे इसको? नहीं, मैं पिला दूंगी। मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे को। और कौन सी दवाई मंगानी है अभी बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो रात हो जाएगी। कितना भर के देना था? ज्यादा दे दिया क्या? नहीं, कम दिया। अच्छा, और देना है क्योंकि वो सिरिंज पतली है ना। यार हम जब भी ट्रैवल पे जाते हैं, किसी ना किसी की ना तबीयत इनमें से खराब हो जाती है। हो जाता है, बच्चे हैं, कोई बात नहीं। और देनी है? हो गया। मेट्रोजेल मंगवानी है, फटाफट फोन करो। यहाँ की भी कोई ना कोई लाइट तो होगी यार, हैं? चेक करूँ क्या? अभी इधर जाओ। किसने बोला था आने के लिए यहाँ पे? उनको बेबी घुमाने के लिए, कोको को सुसु कराना कर रहा है वो। अरे यहाँ सांप वाप भी हो सकते हैं, पकड़ना जरा, मैं लाइट ढूंढू तब तक, क्योंकि लाइट्स हैं बेबी यहाँ अंदर। पकड़ो चुनची आराम से। अरे कहाँ है लाइट? लाइट्स हैं, कनेक्शन कहाँ है? काफी है ना इतना? पूल की लाइट भी इसी से जली है क्या? चलो चुनचा इधर से आओ बेटा। अरे बेबी, इधर इतना छोटा गार्डन है, सीधा कनेक्टेड हमारे बेडरूम से, हम इतना घूम के क्यों आ रहे हैं? ये देखो, आओ, ये देखो, आ जाओ इधर आओ, ये देखो। दो दवाइयाँ और डॉक्टर ने लिखवाई थी, वो फटाफट हमारे दोस्त ने मंगा दी हैं। और कैसे अरेंज किए भगवान जाने यहाँ पे, क्योंकि तो पूरा जंगल एरिया है। चश्मा दूँ? नहीं, मिक्स करनी है दोनों, या एक एक करके देनी है? ये वापस क्यों जा रहा है? मतलब इंजेक्शन वार्सल खराब हो गया लग रहा है उसका। हाँ, क्या कहलू? और क्या देना? लेकिन बेबी इसमें आया ही नहीं है बराबर, देखो ना। कितना देना है ये तो बता दो। 2 ml देना है, लेकिन ये आ ही नहीं रहा इसमें। जितना आया उतना कर करके 2 ml दे दो, बैठना पड़ेगा तुम्हें। कैंडू कैंडू कैंडू, दवाई तो लेना ही है। हो गया, 6 drops देख की चारी गई। कैंडी मत तंग कर। बेबी चाबी आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे गंदे बच्चे आ जाओ। फोन ले लो, तुम्हारा वही है। छुटंकी आ जा।
छुटन किया जा, आई तो चल छुचा बाबा। तो जी हम दोनों तैयार हो चुके हैं, मेरी बेबी ने देखो एकदम ब्लैक वाली रेडीमेड साड़ी पहनी है जिसमें कोई काम तो पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा पहन ली साड़ी। तो मैं आपको बता देती हूँ ये वही है जो आप लोग उनसे पूछ रहे थे ना, ये कौन सी ड्रेस है ड्राई क्लीन के लिए है। इट वाज एक्चुअली ग्रीन इन कलर और ये मैंने बिग बॉस के टाइम पे पहनी थी, आप लोगों ने देखा होगा ये बिग बॉस में, पता नहीं कितने लोगों को याद है, बिग बॉस 8 में जब मैं एज अ चैलेंजर गई थी तब पहनी थी उसको, फिर मैंने वो खराब हो गई तो मैंने डाई करा के उसको ब्लैक कर दी। चल गया मामला, थोड़ा सा टाइट लग रहा है क्योंकि शायद डाई हुई है ना बेबी, टाइट हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि इतनी टाइट क्यों हो गई, लेकिन ये ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है, पता है ब्लैक अच्छा लग रहा है, ब्लैक बेबी से ग्रीन भी बहुत अच्छा था, ग्रीन और ब्लैक था, ये चीज ब्लैक थी और बाकी सारी ग्रीन थी, नहीं नहीं ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, याद है मैंने खुद एडिट किया था वीडियो तुम्हारा, बिग बॉस वाला, तुम प्यार करते हो मुझे, ऐसे ही घूम रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। अरे क्या हो गया बेबी, यही अति असलियत यही है बेबी, ये जो लोग बोलते हैं ना बड़ा वो है पोके जो चलते हैं भैया, मुझसे नहीं होता। हल्दी में तुम पहुँच नहीं पाई, लेट हो गई, ठीक है, मेहंदी में तुम तैयार हो रही थी, मेहंदी में अब संगीत भी निकलने वाला है, सुनो मेहंदी मैंने इसलिए अभी तक नहीं लगवाई है क्योंकि कैंडी की तबीयत खराब हो गई थी, वही हबड़ा दबड़ी में ये लाओ ये वो लाओ उस चक्कर में लेट हो गए, टाइम पे आके भी हम लोग एक भी इवेंट अटेंड नहीं कर पाए। हेलो, वेयर इज एवरीवन? Everyone reached. No. कैंडी इज नॉट फीलिंग वेल, मुझे लग रहा है बेबी जब से हमारी शादी हुई है, हम शायद पहली शादी अटेंड कर रहे हैं, बीच में करी है लेकिन वो बड़ी मतलब फॉर्मल शादियाँ थी, दोस्त की शादी पहली की शादी है, वरना बाकी बड़ी फॉर्मल शादी अटेंड की हमने। मैं आपको बता रही हूँ कितना मजा आ रहा है, आई एम रियली एंजॉयिंग आफ्टर इयर्स, मतलब आई थिंक मेरी शादी में तो मैंने कोई एंजॉय नहीं किया था लेकिन आफ्टर इयर्स आई एम रियली एंजॉयिंग, जब दोस्त की शादी होती है ना क्या फील होता है आज पता लग रहा है, ऐसे ही बोलते थे कि अरे दोस्त की शादी है तो मजा ही आता होगा लेकिन आज एक्चुअली वो फील आ रहा है मुझे दोस्त की शादी में। Who's there? Hi, Shweta is there. And I'm back. Shweta is back. Shweta ही दिखती रहेगी बिकॉज बाकी सारे इधर उधर हो जा रहे हैं। Are you ready for the performance? इधर है। अरे भाई पहले ही तुम लोग नाचोगे क्या? नहीं, पहले तो और डांस करेंगे ना? कि नहीं? पहले तो बाकी लोग करेंगे ना? ये क्या हो रहा है? पहले ही तुम लोग करेंगे। तो फाइनली सिर्फ मैं ही लास्ट हूँ, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट मतलब मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने मेहंदी के लिए हाँ कह दिया, मैंने कहा थोड़ी सगन के लिए लगा दो लेकिन मेरी फ्रेंड की शादी है, मेरे दोस्त की शादी है, थोड़ी लगा दो, थोड़ी थोड़ी लगा दो, आपको बहुत बहुत थैंक यू। सालों के बाद आफ्टर लाइक आर वेडिंग 5 साल के बाद आज ऐसा लग रहा है कि दोबारा से वो टाइम आया है, उतनी खुशी आज हो रही है, छह हो गए दोस्तों, एंड डोंट एक्सपेक्ट दैट डांस परफॉर्मेंस फ्रॉम मी क्योंकि वो नहीं करूंगी मैं। सो 3 cheers!